जाने गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज एन प्रोड्यूसर दिखाई है। दिल्ली बेली तीन बैचलर्स के धमालों की कहानी है। इमरान खान ताशी का रोल अदा कर रहे हैं, कुणाल रॉय कपूर नितिन का रोल अदा कर रहे हैं और वी दास आरूप का रोल अदा कर रहे हैं। The hell is this? It's a naked man lying on top of a naked woman. दिल्ली बेली रिलीज से पहले ने डबल मीनिंग डायलॉग्स और सॉन्ग से पब्लिसिटी बटोर चुकी है। दिल्ली बेली की ओपनिंग बहुत ही अच्छी रही। जाट चुड़ैल, आई हेट यू लाइक आई लव यू, डीके बोस जी के सारे सॉन्ग्स दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। इस लड़की ने मेरा चूसा है। मैंने इस लड़की की ली है। अरे क्या हो गया आपको? उंगली पे नचा के तूने चूना जो लगा मुझे। जा चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल। इस फिल्म में इमरान खान और उनके दो दोस्त अनजाने में ही अंडरवर्ल्ड के हिट लिस्ट में आ जाते हैं और बहुत ही बड़े क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग उनके जान के पीछे पड़ जाते हैं और वो तीन अपनी जान बचाकर भाग निकल आते हैं। चल चल उठ 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 नितिन, ये तो सभी जानते कि आमिर खान अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। दिल्ली बेली एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है जो एडल्ट लोगों के लिए है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। पर क्या तुम इसे थोड़ा और खुश बना सकते हो? और खुश किसको? केले को? हाँ, जैसे कि वो मस्त है। जिंदगी भर वो एक बनाना स्प्लिट में होना चाहता था और अब जाके सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हुआ केले के लिए? हाँ, मतलब एक मिनट, कुड यू फोटो ले लूं? होल्ड कीजिए। हेलो बैनी जी, सलीब भड़वे। हेलो, आज डायरेक्टर के नाम पे सलीब दाग रख, अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ सलीब। हेलो, ये बहुत ही रॉकिंग था, बिकॉज आज का जनरेशन भी ऐसी ही है। बहुत बिंदास मूवी है, और ऐसी बिंदास मूवी मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी। बहुत टॉप लेवल की गालियाँ यूज की है इसमें, मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखने को गई थी। अगर बात की जाए फैमिली की तो हम उनके साथ नहीं। आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है। लगान, थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर, ये सभी मूवी पर आमिर खान ने काम किया है और ये सभी मूवी अलग अंदाज में आई है। इस मूवी को मैं 5 में से 3 देना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ये मूवी पसंद आए।